वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन हॉल। मैंने अमेजोन से पिक किए हैं समर्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से टॉप, जीन्स एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है आज का हॉल। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की हॉल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप लोग को हॉल वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिंसेस लाइफ 2020, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रूल्स मिल जाएंगे, आप उस रूल्स को चेक कर सकते हैं। एंड जब मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 30 विनर्स अनाउंस करने वाले हूँ अपने चैनल पे। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली पिक किया है ये ब्यूटीफुल सा टॉप, लेपर्ड प्रिंट में ये टॉप होने वाला है। साइड में मैं आपको मॉडल की इमेज दे दूंगी। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टॉप है ये, एंड इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1000 रुपीज, आई थिंक 1000 समथिंग रुपीज में है। जो एग्जैक्ट प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। एंड मुझे लेपर्ड प्रिंट के टॉप ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। तो हम आपने लास्ट मीशो हॉल्स में भी देखा होगा, मैंने काफी सारी लेपर्ड प्रिंट में ड्रेसेस परचेज की हुई हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो मिलता है, ये मिलता है क्रीमिश कलर में है इसका जो प्रिंट है, एंड बहुत ही सुंदर लेपर्ड प्रिंट है इसके ऊपर, बहुत सुंदर लग रहा है। नेक पे आप देख सकते हो इस तरह से फ्रिल वाला आपको नेक मिलता है, यहाँ पे इस तरह से आपको डिजाइन मिलता है नेक पे। एंड बैक साइड पे आपको इस तरह से बटन मिलता है, तो आपको पहनने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो इसके स्लीव्स है ना, वो काफी स्टाइलिश स्लीव्स मिलती है यहाँ पे आपको इस तरह से, आप देख सकते हो आपको इस तरह से स्लीव्स मिलती है। स्लीव्स जो है ना वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी हाइट छोटी है, जैसे कि आपकी हाइट जो है वो आपकी 5'1", 5'2", 5'3" है, तो स्लीव्स आपको थोड़ी बड़ी रह सकती हैं। जैसे कि मेरी हाइट 5'7" है, मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी लग रही थी इसकी स्लीव्स। बट मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो ये इलास्टिक लगी हुई है, तो मैं इसको ऊपर उठा लेती हूँ, जिसकी वजह से ये फिर जैसे कि स्लीव्स आप देख सकते हो तो इस तरह से रहती है। तो क्या होता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो मैं इसको ना इस तरह से ऊपर की तरफ रख लेती हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये बेल स्लीव्स बन जाते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से इसको पहनती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो ये ना बहुत ज़्यादा हाथों में मतलब आगे तक आता है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ब्लैक कलर की लाइनिंग भी मिलती है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये शिफॉन फैब्रिक है तो इसमें आपको बिल्कुल ही सी थ्रू होगा, और इसके नीचे अगर आपको लाइनिंग ना मिले तो इसके साथ ब्लैक कलर की इसके नीचे लाइनिंग दी हुई है, जिसकी वजह से टॉप का जो इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। एंड टॉप बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा टॉप है ये, बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही अच्छा है। बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। सो ये फर्स्ट मैंने टॉप परचेज किया है। सेकेंडली मैंने परचेज की है जीन्स। जीन्स मुझे मतलब मेरे को ब्लू कलर की जीन्स चाहिए थी, एंड बेल बॉटम टाइप में चाहिए थी, तो मैंने मिंत्रा पे भी सर्च की थी। तो मिंत्रा पे ये सेम ही जो ब्रांड था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, मैं आपको साइड में दे दूंगी ब्रांड एंड मॉडल की इमेज आपको साइड में दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये जीन्स परचेज किए है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर है, एंड इसको मैं पहन भी चुकी हूँ और एक बारी वॉश भी कर चुकी हूँ। वॉश करने के बाद भी इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया है। एंड इसमें जो मैंने साइज पिक किया है ना, वो मैंने 32 साइज पिक किया है, एंड ब्रांड का नाम है सिस्ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ब्लू कलर की जीन्स मिलती है, कलर बहुत अच्छा है इसका। एंड इसका ये आपको मिलती है हाई वेस्ट में, तो अगर आपके पास क्रॉप टॉप है तो उनके साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना परचेज करते हुए, क्योंकि क्या होता है ना कि स्ट्रेचेबल जीन्स में क्या होता है कि हम साइज भी परचेज कर लेते हैं, तो कई बार 32 वालों को 30 भी आ जाता है, जैसे कि मेरे साथ होता है। मेरा साइज 32 है, बट जो स्ट्रेचेबल जीन्स होती हैं उसमें मुझे 30 साइज भी आ जाता है, बट ये 32 भी मुझे थोड़ा टाइट हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे 34 लेना पड़ेगा, बट जब मैंने एक दिन पहन के देखा तो मुझे कम्फर्टेबल लगा। तो वो आप देख लेना, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है,
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको नीचे की तरफ से आपको ऐसे मिलती है जीन्स एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस जीन्स की। एंड पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही थी, बस मुझे एक चीज़ इसमें ये लगी कि इसमें स्ट्रेचेबल नहीं है ये जीन्स, थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती तो और अच्छी लगती। अदरवाइज इसका प्राइस बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है प्राइस, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगी मुझे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, अगर आप हाई वेस्ट जीन्स परचेज करना चाहते हो तो इस ब्रांड की परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है ये। सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है अमेजोन से टॉप। ये टॉप मैंने ब्लैक कलर में परचेज किया है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है, तो मैंने इसको अभी तक ओपन भी नहीं किया, तो चलो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग जो होती है ना अमेजोन की, वो बिल्कुल सिंपल सी पैकेजिंग होती है, ऐसे कोई खास पैकेजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं टॉप पिक किया है, साइड में मॉडल की इमेज दे दूंगी। यहाँ पे आपको इस तरह से वी नेक मिलता है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से पफी स्लीव्स मिलती हैं। एंड जो इसका फैब्रिक है ना वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है, एंड देख सकते हो जो इसकी स्लीव्स हैं वो आपको फुल स्लीव्स मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ब्लैक कलर का ये टॉप मिलता है, टॉप की जो स्लीव्स हैं वो आपको फुल स्लीव्स मिलती हैं। टॉप बिल्कुल ही प्लेन है, इस पर कोई भी ऐसे वर्क नहीं किया हुआ है, कोई नेक मिलता है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड ब्लैक कलर का टॉप तो होना ही चाहिए, ब्लू कलर की जीन्स के साथ आप इसको इजीली स्टाइल कर सकते हैं। जो ब्लैक कलर के टॉप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे ब्लैक कलर के टॉप खरीदना बहुत पसंद है। सो यहाँ पे आपको इस तरह से ये मिलता है टॉप, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है एंड इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो मैंने साइज पिक किया है एल, मैंने एल साइज पिक किया है। सो मैं आपको पहन के दिखा दूंगी साइड में किस तरह का ये लगने वाला है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैंने अमेजोन से क्या परचेज किया है। सो नेक्स्ट मैंने परचेज की है ब्लैक कलर की जीन्स एंड मुझे ब्लैक कलर की जीन्स काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मैं मोस्टली जैगिंग्स वगैरह थी, मेरे पास जीन्स नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस बार जीन्स परचेज किया है एंड इसकी आप क्वालिटी बहुत अच्छी, मतलब आज के हॉल में मुझे ये जीन्स बहुत अच्छी लगी। सो यहाँ पे आपको ये मिलती है इस तरह से इलास्टिक के साथ आपको ये जीन्स मिलती है, इसमें आपको कोई भी जिप नहीं मिलती है, बस इस तरह से आपको जेगिंग के टाइप जेगिंग की तरह ही मिलती है ये जीन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ब्लैक कलर है ना प्रॉपर जेड ब्लैक कलर है एंड बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है इसका, जैसे पहले वाली जीन्स थी उसमें आपको स्ट्रेच नहीं मिल रहा था, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। एंड इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो मैंने साइज पिक किया है 32 एंड मुझे बहुत अच्छे से आई है ये जीन्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेल बॉटम टाइप में है एंड पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लगने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें थोड़ी सी डस्ट भी लग रही है क्योंकि मैं इसको वेयर कर चुकी हूँ एंड पहन के देख चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं पहन के गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ मैंने इस लेपर्ड प्रिंट वाले टॉप को वेयर किया था, बहुत सुंदर लग रहा था, मैं आपको साइड में वीडियो दे दूंगी जिसमें मैंने डाला था, बहुत सुंदर लग रहा था इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये दोनों ही परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं ये एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये जीन्स। तो इसका जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी ब्लैक कलर की अगर आप जीन्स लेना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने के बाद। मैं आपको ये जीन्स भी पहन के दिखा दी कि पहनने के बाद ये कैसी लगने वाली है। सो नेक्स्ट मैंने अमेजोन से परचेज किया है ये टॉप एंड ये टॉप मुझे काफ़ी टाइम से बहुत पसंद आ रहा था, स्पेशली इसका कलर कॉम्बिनेशन, तो इस बार मैंने इसको परचेज कर लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको ये टॉप मिलता है, कॉटन फैब्रिक में है, ये समर्स के लिए बहुत अच्छे होने वाला है एंड इसका कलर भी बहुत सुंदर है। सो यहाँ पे आपको इस तरह से कॉलर मिलते हैं इसके एंड यहाँ पे आपको इस तरह से इसकी स्लीव्स मिलती हैं, स्लीव्स यहाँ पे आपको इस तरह से मिलती है, शर्ट की जैसे स्लीव्स होती है प्रॉपर इस तरह की आपको स्लीव्स मिलती हैं इसकी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको गोल्डन प्रिंट मिलता है, तो ये प्रिंट आई थिंक निकल सकता है एंड बाकी आपको ये प्रिंटेड मिलती है, शर्ट टाइप में है ये टॉप, बहुत सुंदर लग रहा है ये। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे आपको इस तरह से बांधने के लिए दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको बटन्स की डिटेलिंग मिलती है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। एंड बैक साइड से कुछ इस तरह से आपको मिलता है ये टॉप, मैं आपको पहन के दिखा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप इसको खींच के अच्छे से बांध सकते हैं जिससे कि आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये टॉप है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा था। सो ये था
लास्ट टॉप जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स इसको जरूर परचेज कर सकती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। ये था मेरा अमेजोन हॉल, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। एंड वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।